हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी नर्सिंग ऑफिसर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स रायबरेली के द्वारा निकाली गई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए वैकेंसी के अपडेट को लेकर। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिल सके। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम्स रायबरेली के अंतर्गत कॉलेज ऑफ नर्सिंग आता है, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि एकदम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है। 2 साल यहां पर आपका प्रोबेशन रहता है, उसके बाद आप परमानेंट यहां पर एम्प्लॉय हो जाते हैं। अब देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में रायबरेली आता है, जैसा कि आप सभी जानते भी, अगर स्टेट का आपको ना पता हो तो। यहाँ पर साथियों कॉलेज ऑफ नर्सिंग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई, वेरियस वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, प्रिंसिपल से लेकर ट्यूटर, इसके अलावा और भी यहाँ पर लेक्चरर की वैकेंसी निकाली गई है। सारी बातें आपको बताने वाले हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले प्रोफेसर कम प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर एक पोस्ट निकाली गई है, जो प्रोफेसर भी रहने वाले हैं। यहाँ पर साथियों दूसरी जो वैकेंसी निकाली गई है वो एसोसिएट प्रोफेसर के नाम से निकाली गई है, जो रीडर का काम करेंगे। 2 वैकेंसी यहाँ पर इनके लिए रिजर्व रखी गई हैं। 2 वैकेंसी कौन से सब्जेक्ट के लिए हैं साथियों? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए है एक पोस्ट, और दूसरी यहाँ पर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए। तीसरी जो साथियों यहाँ पर वैकेंसी आई है वो यहाँ पर आई है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको आप लेक्चरर कहते हैं। इसमें साथियों यहाँ पर 3 पोस्ट निकाली गई हैं। एक निकाली गई है आपकी मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, दूसरी यहाँ पर निकाली गई है पीडियाट्रिक नर्सिंग, तीसरी यहाँ पर साथियों आपकी साइकेट्रिक नर्सिंग में वैकेंसी निकाली गई हैं। तो 3 वैकेंसी हैं, एक के लिए एक पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है। अब साथियों नेक्स्ट पर डिस्कस कर लेते हैं ट्यूटर, जिसे आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के भी नाम से जानते हैं। 12 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। अब देखिए साथियों, इनका वर्गीकरण इस प्रकार होने वाला है कि जनरल के लिए 7 पोस्ट रिजर्व हैं, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट रिजर्व हैं, एससी के लिए 1 पोस्ट है, और साथियों ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। हालांकि एसटी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, यदि वो जनरल को फाइट कर जाएंगे तो यहाँ पर उनका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे बंदे जो जनरल को फाइट कर सकते हैं, ये नहीं कि ओबीसी के 3 ही सिलेक्ट होंगे, ओबीसी के 4-5 भी हो सकते हैं, लेकिन उनको जनरल फाइट करना पड़ेगा। चलिए साथियों आगे डिटेल डिस्कस कर लेते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर। तो देखिए साथियों, क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल के लिए 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपने नर्सिंग में की भी होनी चाहिए, एज ए नर्स और मिडवाइफ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके अलावा साथियों जो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनके लिए भी मास्टर डिग्री वो कंपलसरी है, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए, इसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ आप होने चाहिए किसी भी स्टेट ऑफ इंडिया के। इसके अलावा साथियों 8 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जिसमें से 5 ईयर का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस कंपलसरी है। 2 साल का तो आपका एमएससी नर्सिंग जब आप करते हैं तो 2 साल का जो एमएससी नर्सिंग होता है उसको टीचिंग एक्सपीरियंस माना जाता है, तो 2 साल का तो वो हो जाता है। 3 ईयर आपने कहीं किसी इंस्टीट्यूट में अगर टीचिंग करवा रखा है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसे आप लेक्चरर के नाम से जानते हैं, उनके लिए भी मास्टर डिग्री कंपलसरी रखी गई है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जिसमें से 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने एमएससी नर्सिंग कर रखी है और आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपको एमएससी जब आपने किया था तो वो इंक्लूड हो जाएगा। 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास अलग से होना चाहिए, किसी भी एम्स में, चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर थे, एएनएस थे, डीएनएस थे, आप चाहे एनएस थे या फिर आप सीएनओ थे, तो यहाँ पर अप्लाई के लिए योग्य हैं। अब साथियों यहाँ पर चलते हैं अपन ट्यूटर की तरफ। तो ट्यूटर में देखिए साथियों, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, जो कि कंपलसरी होता है। 2 ईयर का आपका एमएससी नर्सिंग का जुड़ जाएगा, 1 ईयर का आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। जिनके पास एमएससी डिग्री है, जिनके पास आप बोल सकते हैं मास्टर डिग्री है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पर जो आपका लेवल है, क्या आपको सैलरी मिलने वाली है? तो प्रिंसिपल के लिए लेवल 13 है, जिसमें 1,23,000 रुपये है शुरुआत में। इसके अलावा जो रीडर है, जो एसोसिएट प्रोफेसर है, उनको भी साथियों यहाँ पर अच्छी खासी जो सैलरी वो मिलती है। जैसे नर्सिंग ऑफिसर साथियों लेवल 7 में आता है ना, उसी प्रकार से ट्यूटर वो लेवल 10 में आते हैं, लेक्चरर इन जो नर्सिंग है वो लेवल 11 में आएंगे, बाकी जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो 12 में और फिर 13 में प्रिंसिपल आ जाते हैं। तो मतलब साथियों बड़ी बड़ी पोस्ट यहाँ पर नर्सिंग फील्ड में हैं, जब एक्सपीरियंस हो सकता है आपको तो यहाँ पर आप अप्लाई करें,
अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है तो 55 ईयर प्रिंसिपल के लिए रखी गई है। इसके अलावा जो एसोसिएट प्रोफेसर है उनके लिए 50 ईयर रखी गई है, इनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट जो प्रोफेसर है उनके लिए भी 50 रखी गई है। इसके अलावा जो ट्यूटर है उनके लिए 35 रखी गई है। ये एज लिमिट है, हालांकि आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर छूट है वो मिलती रहेगी। अब साथियों बात करते हैं फीस की, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो सिलेक्शन है ट्यूटर के लिए तो आपका रिटर्न जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, लेकिन जो प्रिंसिपल एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर है इनके लिए साथियों रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। हालांकि यदि लार्ज नंबर में यहाँ पर एप्लीकेशन आते हैं तो रिटर्न एग्ज़ाम हो सकता है। अब साथियों यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ीस क्या रखी गई है। तो फीस देखिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 800 जो रुपीज़ हैं वो रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों यहाँ पर फीस अब वो रिफंड नहीं होगी, कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा आपको। इंटरव्यू केवल एम्स रायबरेली में होने वाला है। धन्यवाद साथियों वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।